तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए संजय सिंह की सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जेल से रिहा हो चुके हैं, 6 महीने बाद रिहा हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, और सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये जो आप देखिए, संजय सिंह बाहर निकलते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए, और सीधी तस्वीर यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। जेल से रिहा हो गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। अगर इसमें कुछ साउंड हो, कुछ बोल रहे हो तो जरा साउंड के साथ ले आइए। तो ये आप देख रहे थे सीधी तस्वीर तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए संजय सिंह, और उसके बाद वो ऊपर वहीं खड़े होकर
अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए और कह रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे और सारे नेता जो हैं वो बाहर निकलेंगे। ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है बल्कि संघर्ष करने का वक्त है। और ये एक जोश दिखाई दे रहा है संजय सिंह में, एक बड़ी जीत नज़र आ रही है संजय सिंह के अंदर और ये साफ आप देख सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट चाहूँगा। मुकेश कुमार सिंह साहब, आपसे पहले इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, कितनी बड़ी जीत इसे माना जाए? मैं नहीं कहूंगा जीत, शायद ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, मोदी जी की शैली में बोलने वाली बात हो जाएगी। मैं समझता हूं कि न्याय की स्थापना कह लीजिए या एक कंक्लूसिव रिलीफ कह लीजिए कि भाई बहुत देर हो गई, ये जमानत डिजर्व करते थे संजय सिंह, कम से कम 6 महीने वो जेल में रहे, कम से कम 5 महीने पहले डिजर्व करते थे, 5 नहीं 4 मान लीजिए, लेकिन ये तो बहुत देर से हुई एक चीज है। पर चलिए, होता है राजनीति में इस तरह की चीजें भी हम लोग देखते रहे हैं, ये विशुद्ध राजनीतिक चीज है, आपराधिक तो है ही नहीं, खैर जब आगे ये तय होगा। लेकिन मैं इसे ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो ये कोई जीत है। हाँ, इतना जरूर है कि ये संघर्ष है और अब केजरीवाल की जो टोली है, उनकी जो टीम है, उसका एक महत्वपूर्ण नेता वोकल हुआ हो सकता है, होगा, और वो अपनी जो है जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल और इन लोगों के जेल में होने से जो पार्टी को थोड़ी सी कमी दिख रही है, निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक मैदान में उनकी प्रेजेंस के रूप में उस कमी की भरपाई नजर आएगी। राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, कल आपने कहा था और आज खबर है अखबारों में कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें मुख्य बात यह है कि उनको धमकी दी गई है कि आप अपना राजनीतिक कैरियर बचाना चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाइए। तो बड़ा मामला है, और लेकिन अखबारों में वैसे नहीं छपा है, बल्कि अखबारों में खबर ये छपी है कि आतिशी अपना सबूत दे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे वगैरह। तो जाहिर है आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, और ये लोग जो सोच रहे थे कि गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, वो नहीं हुआ। तो जाहिर है इन लोगों को ये सब ऑफर करना पड़ा और डराना पड़ा वगैरह वगैरह। जी, सच नहीं होने का कोई कारण नहीं है, मैं नहीं मानता कि कोई ऐसे ही बोलेगा इस तरह की बात। फिर भी जो भी हो, ये कहा आरोप तो है ही है, और आज ही इंडियन एक्सप्रेस की खबर है तो उससे साबित भी हो जाता है कि ऐसा है, ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। तो इस लिहाज से संजय सिंह का आज छूटना बहुत बड़ी बात है, मतलब कल उनको जमानत हो गई थी, आज छूटना बहुत बड़ी बात है। और जिस ढंग से ये लोग आपको, आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी उसके सभी लोगों को, अब अगर इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद आतिशी और सौरभ को भी कर लिया जाता तो क्या बचता। तो उसमें अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद, एक तो मुझे लगता है कि उनकी हिम्मत नहीं होगी कि दोनों को गिरफ्तार करें, दूसरा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत हो जाएगी, और तीसरे ये नई गिरफ्तारियां नहीं होंगी और संजय सिंह संभाल सकते हैं बाहर रह करके। ये सारी बातें हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका है, और जाहिर है बीजेपी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि जमानत तो किसी की कभी भी हो ही सकती है, ये तो कोई गारंटी नहीं कर सकता है कि जमानत पे नहीं छूटेगा कोई, तो इनको तैयार रहना चाहिए था। लेकिन जो इनकी रणनीति है उसमें हम जानते हैं कि इनकी क्या तैयारी होगी और कैसे ये अभी चारों खाने चित होने वाले, तो वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें इंटरेस्टेड हूँ। सही सही कह रहे हैं आप, और लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और आप जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, 6 महीने जेल में रहे और अक्टूबर महीने से लेकर अभी तक, और कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली और बेल को न सिर्फ याचिका मंजूर की बल्कि बेल ऑर्डर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। और उसके बाद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, और चर्चा आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद सीधे जयशंकर जी के पास आएंगे, सुनिए जरा। Yeah.
कांबोडिया सत्येंद्र जैन को इस जेल की तरह अपने पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और जयशंकर जी आपकी प्रतिक्रिया इस पे। राजीव जी, ये मोदी सरकार का यह फैसला उनके ऊपर एक तरह से जूते की चप्पल पड़ गया। उनको लग रहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, सिसोदिया पहले ही से जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल में है, तो ये पार्टी चरमरा जाएगी, टूट जाएगी और हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, क्योंकि दिल्ली हर बार उनके आंख में किरकिरी की तरह से चुभते रहता है। भाई विधानसभा हारे, लगातार तीन तीन बार हारे, फिर नगर निगम का चुनाव हारे, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं सब कुछ के बावजूद कि दिल्ली पे पूरे देश पे हमारा कब्जा है, राज है, सरकार है, केंद्र की सरकार है, लेकिन दिल्ली पे हमारा कब्जा नहीं है। तो उनकी एक तो रणनीति ये थी, दूसरा जैसे यही रणनीति उन्होंने झारखंड में निभाई कि झारखंड के भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया और उनको लगा कि वहां भी जेएमएम टूट जाएगा या उनका गठबंधन बिखर जाएगा और वहां हम अपनी सरकार बना लेंगे। यहाँ दिल्ली में कई बार होता है कि नहीं राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए रात के इस समय संजय सिंह के स्वागत में जितनी क्राउड दिखाई दे रही है और रिस्पॉन्सिव क्राउड दिखाई दे रही है, वो अपने आप में बता रहा है कि जिसको आप खलनायक बना रहे हो तो हीरो बन के निकल गया जी। और संजय सिंह ने बहुत सही बात कही है कि जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव में संघर्ष करना होगा, आपको भिड़ना होगा, लड़ना होगा, और अगर नेताओं की और अब तो हिम्मत नहीं पड़ेगी इनकी कि अब आतिशी को या सौरभ भारद्वाज को या किसी और को ये छुए या किसी को गिरफ्तार करें, लेकिन अगर करते भी हैं, अगर इतनी मति पौरा गई है, तो वही हमने कहा था ना एक बार कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, होता ही है कभी कभी, लेकिन ये रणनीति इनकी फेल कर गई है। ये जो सोच रहे थे कि विपक्ष विहीन चुनाव कराएंगे और नेताओं को जेल में बंद कर देंगे और हम अपने जीत करके आ जाएंगे, तो इसमें बुरी तरह से फ्लॉप किए हैं। और जो सहानुभूति बनी थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, जिस तरह से उनकी पत्नी निकल करके आई सड़कों पे, जिस तरह से इनकी अरविंद केजरीवाल की भी पत्नी उस दिन रामलीला ग्राउंड में दिख रही थी, जो तेवर दिख रहा था, उससे लग रहा है कि अब सहानुभूति जो है वो समर्थन के रूप में बदल रही है। और मुझे लगता है कि इसका फलाफल जो है झारखंड और दिल्ली के लोकसभा के चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। मैं जैसे मैंने पहली बार भी अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि दिल्ली में अगर एक दो सीटों पे सिमट जाए या वो भी साफ हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें इनकी सब तदवीरें एक तरह से फेल कर रही हैं और ये तदवीर भी फेल ही हो गई है। गिरफ्तार करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने। इनको लग रहा था कि साहब केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो लोग सोचेंगे अरे साहब खराब घोटाले में इतना बड़ा पैसा कमाया, ये किया, एक चवन्नी तक आज तक बरामद नहीं हुई है, ये पब्लिक को क्या बताएंगे, क्यों गिरफ्तार किया था भाई, 6 महीने तक संजय सिंह को गिरफ्तार किया। आज तो ठीक है, अदालत ने कह दिया कि भाई आप ईडी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, इस मुकदमे के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन और तो कोई ना कोई तो बोलेगा ना भाई, 6 महीने आपने संजय सिंह को क्यों जेल में रखा जब कोई सबूत नहीं है आपके पास, कोई चार्जशीट तक आपने फाइल नहीं की, किस बात के लिए जेल में रखा, उन 6 महीने का हिसाब कौन देगा। इसे हम बार बार सवाल करते हैं कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वो थे क्या नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर थे जी साई बाबा, उनको आपने गढ़चिरौली के नक्सल के मामले में गिरफ्तार किया था, 10 साल वो आदमी जेल में रहा और 10 साल के बाद वो पूरी तरह से बेदाग छूट गया, तो उन 10 सालों का हिसाब कौन देगा। ये साईं बाबा ही पूछ रहे हैं, यही बात कल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पूछेंगे जब मंचों पर पहुंचेंगे, जब सवाल करेंगे तो पब्लिक का अपना रिस्पॉन्स अलग ढंग का होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा के लोग कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। दूसरी बात एक मैं छोटी सी कहना चाहूंगा राजीव जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ईवीएम और वीवीपैट के बारे में, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जागरूकता और उनकी जो चुनावी मशीनरी है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक ऑर्डर तो कर दिया लेकिन जब तक आपका काउंटिंग एजेंट इतना मजबूत नहीं होगा या वहां पर जो पोलिंग एजेंट होगा वो इतना मजबूत नहीं होगा, समझदार नहीं होगा कि जो वोट पोल हो रहा है उसको वीवीपैट से मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये इंश्योर करना विपक्ष की भी जिम्मेदारी होगी, सिर्फ जबानी हवा
से काम नहीं चलेगा, सिर्फ भाषणबाजी या ट्वीट से या इस तरह का ये करने से नहीं बनेगा। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से देखिए, मैं बार बार इसका पैरोकार रहा हूँ, कहता रहा हूँ भाई, विपक्ष को कॉम्बिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी दिल्ली में हुआ, उस दिन रैली हुई, कितने शानदार कवरेज भी हुई, शानदार उसका एक असर अलग ढंग का पड़ा। उसी ढंग से इनको बार बार जितने बड़े महानगर हैं, जितनी राजधानियां हैं राज्यों की, विपक्ष के इंडिया अलायंस के जितने नेता लोग हैं, उनको एक साथ मंच पे साझा करना पड़ेगा। और उससे एक जो हवा बनेगी, अभी तो हवा अंदर अंदर बननी शुरू हो गई, लेकिन वो जो हवा बनेगी तो उसको मीडिया भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया इग्नोर नहीं कर पाएगा। एक बार क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? संजय सिंह जी, देखिए बड़ी घटना संजय सिंह का बाहर आना, और वो हेडलाइन मैनेजमेंट के विश्व गुरु प्राइम टाइम के समय वो बाहर आए हैं टेलीविजन चैनल के। कौन सा टीवी चैनल है इस वक्त राजीव जी जो इन तस्वीरों को नहीं दिखाएगा? और वो भीड़ देख रहे हैं आप वहां पे, तिहाड़ जेल के सामने हजारों लोगों की भीड़ है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इसका मनोबल आप तोड़ रहे थे, उसका तो दुगना हो गया। ये तो आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है, इन लोगों के तो हाथ में खुजली हो रही थी, कोई हो नहीं, कुछ हो नहीं रहा, कोई जेल नहीं जा रहा। और अब आप देखिए कि कल से आम आदमी पार्टी का प्रचार देखिएगा और दिल्ली की सीटों का देखिए। इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मोदी जी ने बड़ी भूल की है कि पॉलिटिकल थिएटर को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने दिल्ली था ही नहीं, चुनाव तो इधर उधर हो रहा था। अब आपने अगर दिल्ली शिफ्ट किया है तो देखिए ये होगा दिल्ली में। और अब आप सोचिए कि केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी। आज के आर्गुमेंट से लग गया कि केजरीवाल बहुत देर तक अंदर नहीं रह पाएंगे, जिस तरीके से ईडी ने आज आर्गुमेंट किए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक जिसको कहा जा रहा है कि बड़ी प्रोफेशनल एजेंसी, वो हाईकोर्ट में उसका वकील ये कह रहा है राजीव जी कि हमको पैसे इसलिए नहीं रिकवर कर पाए केजरीवाल से क्योंकि वो पैसे खर्च हो गए। सोचिए, मतलब आप ये चुटकुला सुना रहे हैं वहां पे, ये कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है कोर्ट में कि आप कह रहे हैं कि पैसे हम रिकवर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पैसे उन्होंने खर्च कर दिए थे। कमाल का आर्गुमेंट है, देखते हैं जज साहब इस पे क्या कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात और भी था कि अगर चुनाव के वक्त कोई आतंकवादी घटना कर देता है, कोई अगर बम ब्लास्ट कर देता है कार में जाकर के, तो क्या उसको पकड़ेंगे नहीं? इस पर जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलील दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत जी आपको याद होगा वो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कौन कहता है कि आप मत पकड़िए, अगर मुख्यमंत्री करता है तो मुख्यमंत्री की भी पकड़िए, उसको भी पकड़िए, लेकिन आप जो दलील दे रहे हैं क्या वो दलील यहाँ फिट बैठती है आपकी? ये पूछा उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने। और सबसे बड़ी बात राजीव जी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सरकार की एक एजेंसी शपथ लिए हुए एक चीफ मिनिस्टर को, जिसने भारत के संविधान की शपथ ली है, उसकी तुलना एक हत्यारे और आतंकवादी से कर रही है कोर्ट में खड़े होकर। मुझे लगता है कोर्ट को तो इस सेंटेंस को अगर रिकॉर्ड में लिया तो एक्सपंज करना चाहिए उनको, और उनको फटकारना चाहिए कि तुम्हारा तो इसको इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही मतलब बेहुदा आर्गुमेंट था कोर्ट में कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए, मुख्यमंत्री है तो अलग बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए, भारत के नागरिक के लिए, उसकी तुलना एक इनोसेंट आदमी की तुलना आप आतंकवादी से करेंगे, आप हत्यारे से करेंगे उसकी तुलना, और उस आदमी के लिए जिसने भारत के संविधान की शपथ ली हुई है, एक संवैधानिक संस्था का मुखिया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की आज की दलीलें से लग रहा है राजीव जी कि बहुत लंबे समय तक केजरीवाल को ये अंदर नहीं रख पाएंगे। और सही कह रहे हैं, जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो आप दिल्ली का माहौल देखिएगा। और मोदी जी ने बड़ी मेहनत करके, देखिए आम आदमी पार्टी शायद सबसे आखिरी पार्टी थी जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुई और सीटों का तालमेल हुआ। आम आदमी पार्टी किसी फॉर्मेशन में नहीं थी, थर्ड फ्रंट, फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट,
इनका अलग अलग चल रहा था मामला। मोदी जी ने बड़ी मेहनत करके आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन में धकेला, और केवल धकेला ही नहीं, उसको बनाए रखा वहां पे, एकदम पुख्ता कर दिया कि अब ये निकलेंगे नहीं बाहर वहां से, सीटों का तालमेल भी करवा दिया। तो इनको अब लोग चाणक वगैरह कहते हैं, बात अलग है। तो दिल्ली का चुनाव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और दिल्ली का चुनाव राजीव जी जिधर जाता है, और संजय सिंह के बारे में तो मैं जानता हूँ कि संजय सिंह केवल दिल्ली में नहीं उत्तर प्रदेश में ही बहुत लोकप्रिय है, अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के वो प्रभारी भी रहे। जी 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 बिल्कुल। आना चाहूंगा, एक कमेंट, छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे भी। दीपक जी, क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को, संजय सिंह का जेल से बाहर आना और तिहाड़ जेल के अंदर से जैसे बाहर आते हैं और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जो बातें कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कह रहे हैं कि ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये संघर्ष करने का वक्त है, और हमारे नेता चाहे केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों या सत्येंद्र जैन हों, ये सब बाहर आएंगे, जेल के ताले टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल और हमारे तमाम नेता छूटेंगे, ये तमाम बातें कहते हुए यहाँ एक जोश में नज़र आ रहे हैं संजय सिंह। और ये सिर्फ जैसा अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि मामला सिर्फ तिहाड़ जेल से बाहर आने तक का नहीं है, चुनाव के ऐन वक्त ये बाहर आए हैं, ऐन वक्त पे जैसे केजरीवाल को अंदर किया गया, और ये संजय सिंह का बाहर आना क्या मायने रखता है? ये बहुत छोटी सी घटना मुझे 1977 की याद आ रही है राजू जी, शायद 19 या 17 मार्च था 1977 का, जब अंतिम जत्था जो है रायपुर की जेल से बाहर निकला था, और उस समय जो आखिरी जत्थे में जो लोग निकले थे तो उनमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे ही नेता बन गए कि देखिए हम सबसे लास्ट में छूटने वाले लोगों में से एक थे, लगभग वही समय था जब शाम को सब लोग छूटे थे, मुझे वो घटना याद आ रही है। और दूसरी घटना मुझे याद आ रही है, लगभग इसी समय कन्हैया कुमार ने कुछ समय पहले जेएनयू में जेल से छूटने के बाद भाषण दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुहूर्त तो कुछ ऐसा होता है कि जब यहाँ पर आकर इस समय को आकर भाषण देता है, प्राइम टाइम तो खैर अभी शुरुआत हुई जिसका उल्लेख हमारे साथी कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से उनके देखिए बॉडी लैंग्वेज है, तो सबसे पहला मंसूबा भारतीय जनता पार्टी का ये ध्वस्त हो गया कि आप किसी को जेल में रख के उस पार्टी को तोड़ देंगे। एक नैरेटिव ये चलाया गया था कि संजय सिंह को आपने दे दी बेल और अरविंद केजरीवाल को नहीं दिए, तो इसके कारण जो है आम आदमी पार्टी में फूट पड़ सकती है, या ऐसे भी कुछ फुटनोट्स में कुछ जगह देख रहा था, इस तरीके का लोग जो है अपना दिमाग लगा रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से संजय सिंह ने यहाँ पर आकर कहा कि जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में है तब तक कोई जश्न भी नहीं होगा, और ताले टूटेंगे वाला जो मामला है ये निश्चित रूप से आंदोलन से निकले लोग हैं तो इस भाषावली को भी समझते हैं, और उसके अनुसार जो है अगले दो तीन दिनों से देखिए और जो है माहौल बदल जाएगा, और इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के भी छूटने के चांसेस बढ़ेंगे और बाकी सभी लोगों के छूटने के चांसेस बढ़ेंगे। लास्ट लाइन मेरी कि अब जो और लोगों को जो गिरफ्तार करने की बात चल रही थी कि आतिशी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, सौरभ को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कुछ लोगों ने बहुत वाहियात किस्म के कमेंट राघव चड्ढा को लेके किए जो कहीं विदेश में है कि आ जाओ तुम्हें जेल बुला रहा है वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कम से कम चुनाव तक तो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करेगी जिसका जिससे उसका अपना नुकसान हो। निश्चित रूप से बड़ा पॉजिटिव संदेश जाएगा ये दिल्ली के अंदर, और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी और मेहनत से काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी आपसे भी एक कमेंट चाहूंगा। अमलेंदु जी देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए तो बूस्ट है ही एक तरीके से, और ये पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भी एक मजबूती मिल गई है, क्योंकि संजय सिंह जो है वो लगातार उन मुद्दों पे मुखर रहे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पहले से उठाता रहा है, खासतौर से जिस तरीके से राहुल गांधी ने अडानी के मसले को उठाया था, उस अडानी के मसले की वजह से ही संजय सिंह जो थे वो इस चक्कर में सब फंसे जा करके, क्योंकि नारे जो लग रहे थे राज्यसभा में जब मोदी जी बोल रहे थे उन्होंने अपना छाती पीटी थी एक अकेला सब पे भारी, तो हालांकि वो मोदी जी कितने भारी हैं कितने हल्के हैं तो मोदी जी जाने, लेकिन वो उसके लिए वो जो सदन के अंदर सब चल रहा था उसमें संजय सिंह की भी एक बड़ी भूमिका थी। तो अब मुझे लगता है राजीव जी की रामलीला मैदान से जो जबरदस्त तरीके से
कॉल दी गई और जिस तरीके से वहां से प्रहार हुए, ये अब प्रहार मोदी जी के ऊपर सरकार के ऊपर बढ़ेंगे। और आज जो हाईकोर्ट में हुआ उसके बाद जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए, ये सारी चीजें कुल मिलाकर राजीव जी अब भारतीय जनता पार्टी के बूथ के खिलाफ जा रही है और माहौल यहाँ से बनना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, माहौल जो है बनना शुरू हो चुका है, यही हम कह भी रहे थे। अपनी चर्चा की शुरुआत हमने यहीं से की थी कि इंडिया गठबंधन ने कैसे पलट दिया है चुनाव, और अभी आप देखिए कि एक इसका एग्जाम्पल सामने है कि छूट कर बाहर निकले संजय सिंह बेल पे ही रिहा हुए हैं, लेकिन इससे एक उत्साह वर्धन तो बहुत ज़्यादा होगा आम आदमी पार्टी में खासकर, और दिल्ली की सीटें ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ इन तमाम राज्यों में, पंजाब में तो खैर फ्रेंडली फाइट है लेकिन हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में, गोवा में, इन तमाम राज्यों में एक अलग असर दिखाई देगा संजय सिंह के अब निकलने के बाद। और कब तक बाकी जो इनके तीन नेता हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये कब तक बाहर आते हैं ये देखना होगा। लेकिन कोर्ट से लेकर सड़क तक माहौल जो है वो गर्म है और उन सब के बीच चुनावी प्रक्रिया जारी है और उस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। ईवीएम पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, अगले सप्ताह मंगलवार या बुधवार को इस पर सुनवाई होगी, तो बहुत कुछ होना बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे साथी, आप तमाम साथियों का, मुकेश कुमार सिंह साहब, प्रशांत टंडन जी, संजय कुमार सिंह साहब, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में।